Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Honda Amaze. This Amaze is BS6 and this car has come all the way from Gurgaon for CNG installation. देखो हमारे पास दूर से बंदे इसलिए आते हैं अमेज में सीएनजी लगवाने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द 9 असेसरीज विच वी इंस्टॉल अलॉन्ग विद द किट. ये 9 चीज़ें एक्चुअली किट में नहीं आता, ये अलग से हम लगाते हैं ताकि आपको और बेटर परफॉर्मेंस और गाड़ी की सेफ्टी भी रहे. तो इसमें जो किट हमने लगाया, दिस इज मीज़ो, दिस इज BS6 जो होंडा में अप्रूव्ड है. ये आपका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. नॉन रिटर्नेबल वाल्व है, वन वे वाल्व है. ये वापस आपका जो है यहाँ नहीं आएगा, ये वापस आएगा सिलेंडर से आपके रिड्यूसर में. दिस इज़ मीज़ो प्रीमियम, ये आपका डबल स्टेज का रिड्यूसर है और ये ECM है आपका 32 पिन का मेड इन इटली. और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस आपकी फाइनली पंप हो रहा है. देखो ये 4 चीज़ आता है किट के अंदर. अब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा 9 चीज़ मैं एक्स्ट्रा लगाता हूँ फॉर द परफॉर्मेंस एंड द सेफ्टी. एक तो मैं इसके अंदर, देखो किट आपका मीज़ो का है, फिल्टर जेन्युइन मैंने लवेटो का लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए, इंजन की लाइफ बढ़े. दूसरा जो मैंने काम किया, आपके कपलर टू कपलर वायरिंग किया, इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, सॉकेट टू सॉकेट कपलर टू कपलर फिटिंग है. तीसरा जो इसके अंदर काम किया, देखो मैं मैक्सिमम सभी गाड़ियों में डायनेमिक एडवांसर लगाता हूँ लेकिन होंडा और मारुति के अंदर स्टैटिक बढ़िया काम करता है, नो नीड ऑफ एनी डायनेमिक एडवांसर एंड दिस विल वर्क वंडर्स. मज़ा आएगा, गाड़ी चाल वही रहेगा जो, तो स्टैटिक एडवांसर लगाया ताकि मज़ा वही आएगा जो डायनेमिक में. अगर डायनेमिक भी लगाऊंगा वो मज़ा यही आएगा जो स्टैटिक में आएगा. तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है 5,000 रुपये और अधिक खर्च करने का, स्टैटिक विल वर्क वंडर्स. चौथा जो इसके अंदर जो काम किया हूँ मैं, आपके ECM से और आपके स्टैटिक एडवांसर से ये जो वायरिंग जा रहा है सेम वैसे ही जैसे होंडा ने करके दिया. देखो ये होंडा की वायरिंग है और सेम वैसे ही वायरिंग हमने करके दिया, ये हमारा वायरिंग है सेम. अब इससे क्या है कि इंजन के, देखो बेसिकली सेफ्टी के लिए मैं स्पायरल ट्यूबिंग करता हूँ ताकि गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं, कभी कोई हैजर्ड ना हो, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है पूरा. पांचवा जो इसके अंदर जो काम किया हूँ मैं, आपका कूलेंट कनेक्शन करके दिया हूँ. ये देखो यहाँ से सोर्स लिया मैंने, ये यहाँ से और ये दो पाइप आपके रिड्यूसर में आए, दो पाइप. इससे क्या है कि गाड़ी के इसमें कभी भी जो है आपका रिड्यूसर फ्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर सेंसर वहीं लगेगा जहाँ लगा होना चाहिए रिड्यूसर में. और इससे 10-15% एवरेज भी इम्प्रूव होता है और गाड़ी के अंदर जर्किनेस नहीं रहेगा. तो ये सब कई फ़ायदे हैं. अभी मैंने किट लगाते समय मैंने इनका थ्रॉटल भी क्लीन कर दिया, इनका स्पार्क प्लग भी चेक कर लिया ताकि इनको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र ना आए. छठा चीज़ इसके अंदर जो मैं लगाया हूँ, दिस इज़ होंडा फ्यूल करेक्शन रिले. ये आपका केबिन में लगाता हूँ मैं, ये AB का रिले लगाया, मेड इन इटली. दिस इज़ मेड इन इटली. बेसिकली ये क्यों लगाता हूँ, केवल होंडा में लगता और किसी गाड़ी में नहीं लगता. होंडा में क्या है कि जब भी आप गाड़ी चलाएंगे CNG पे आपका फ्यूल इंडिकेशन कम होता जाएगा. तो ये बेसिकली क्या है, केवल होंडा में ये प्रॉब्लम है लेकिन ये रिले लगने के बाद जब भी आप गाड़ी पेट्रोल पे करेंगे एग्जैक्ट पेट्रोल बताएगी और CNG पे कट ऑफ हो जाएगा. तो ये 6 चीज़ लगाया हूँ और 3 चीज़ आपका बूट में लगाया हूँ, आइए दिखाता हूँ. 7वां चीज़ जो मैं इसके अंदर लगाया हूँ मैं, आपका स्टैंड जो है रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड. ये आप स्टैंड की क्वालिटी आप देखो, इसको मैं निकाल कर दिखाता हूँ. यहाँ मैंने ब्रॉडर शीट इसलिए दिया राइट साइड में क्योंकि अधिकतर चांसेस जो है क्रैक होने का चांस आपके राइट साइड से होता है. तो यहाँ ब्रॉडर शीट देने के कारण क्या है कि उसको सपोर्ट मिले प्रॉपर. और ये आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ और नट बोल्ट आपका TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है. ये एक बार फिक्स हो जाता है, कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा. नॉर्मल किलो के भाव नट बोल्ट नहीं है, ये एक बार फिक्स हो गया ये लूज़ नहीं होगा. ये सिलेंडर के क्या होता है, लूज़ होने से सिलेंडर के वजन से हिल हिल के बॉडी क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. और इसके अंदर डक्ट अभी फिट करूँगा लीकेज चेक होने के बाद. डक्टिंग इसलिए करता हूँ कभी एक्सेस गैस आए तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर हो, ना कि गाड़ी के अंदर. और एक काम और किया हूँ मैं, मारुति में जो कंपनी फिटेड में आता वह कंपनी का मेड इन जर्मनी वो वाल लगा के दिया मैंने. दिस इज़ मेड इन जर्मनी, ये वह कंपनी का है मेड इन जर्मनी. अब नॉर्मली क्या है, मार्केट में आपको चाइनीज़ वाल मिलेगा वो 2-4-6 महीने से ज़्यादा चलता नहीं है, ये पूरे लाइफ चलेगा जैसे कंपनी फिटेड में आता है.
अब चलते हैं एक बार सीएनजी पंप, सीएनजी डलवाते हैं और एक बार लीकेज चेक करने के बाद सेटिंग करते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आइए। सो दिस इज़ होंडा अमेज BS6। मज़ा आ गया भाई। एक बार भैया से पूछते हैं फिटिंग कैसी रही और गाड़ी कैसी चल रही है। गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही है और फिटिंग भी एकदम बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि कंपनी से हम लोग फिटिंग होके आती है तो हम लोग डिफरेंस बता नहीं सकते कि ये हमने बाहर से कराई है या कंपनी से कराई है। वी आर टोटली सेटिस्फाइड। एंड हाउ इज द फिटिंग? ऑसम, अमेजिंग, नाइस वर्क। आई टुक द केयर ऑफ द सेफ्टी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल। मतलब एक वायरिंग या किसी भी चीज़ का, मतलब छोटी छोटी चीज, एक नट बोल्ट तक हमने TVS कंपनी का लगाया। वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में किया ताकि गाड़ी के हीट से वायर चिपके नहीं, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो। मतलब वी हैव डन एवरीथिंग। सब कुछ आपने एक गाड़ी की प्रिकॉशंस को देखते हुए, सेफ्टी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, आपने उसी के अकॉर्डिंग सारा काम किया है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी आपने कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी हो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस गाड़ी के अंदर जो है स्टैटिक एडवांसर लगाया है, आपने देखा होगा सभी गाड़ियों में, जितनी भी गाड़ियाँ थी सब में डायनेमिक लगाया, लेकिन इसमें स्टैटिक क्यों लगाया? नो नीड ऑफ इट। मैं 5,000 और फालतू खर्च करा दूँ और उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मारुति और होंडा की गाड़ियों में स्टैटिक एडवांसर वर्क्स वंडर्स, कोई ज़रूरत नहीं है डायनेमिक का। जब मेरे को पता है कि उसी में आपको पिकअप A1 मिलेगा तो मज़ा नहीं है। और डायनेमिक लगाता भी तो मतलब यही पिकअप मिलता। यही रीज़न था हमारा आप लोगों के पास आने का। इससे पहले हम लोगों ने मार्केट में और भी सर्वे किया था, रेकी किया था कि हमने एक दो से पता किया, कल भी हमने देखा किया, तो हमने देखा कि आपसे ज़्यादा बेटर अभी तक हमें कोई मिला नहीं। तो फाइनली हमारा डिसीजन यही था कि आपसे ही हम लोग अपनी गाड़ी में CNG किट लगवाएं। चलो चलो, थैंक यू सर। अब आगे जो ध्यान रखने वाली जो बात है, गाड़ी आपके पास है, कुछ नहीं करना है। जब भी गाड़ी सर्विस कराओ 10,000 के बजाय 8,000 में कराओ, या 10,000 में भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ कराओ, स्पार्क प्लग खुलवा के साफ कराओ। अभी मैंने किट लगाते समय मैंने थ्रॉटल भी स्प्रे मार के क्लीन किया और प्लग आपका चेंज कर दिया। तो आगे ये दो चीज़ पे ध्यान देना और चलाना है। चलो, आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो, इट अदरवाइज इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वन। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।